अफवाज पाकिस्तान के पहले सरबरा जनरल सर फ्रैंक वाल्टर मेसर्वी वजीर आजम लियाकत अली खान से मिलने के लिए उनकी रिहायशगाह पहुंचे तो उनकी ख्वाबगाह से एक दाढ़ी वाले शख्स को बाहर निकलते देखा। ये शख्स रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए गुम हो गया। जनरल मेसर्वी ने वजीर आजम से पूछा, क्या ये बारी शख्स अकबर था? वजीर आजम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये कर्नल अकबर खान था। ये पुरइसरार शख्स कर्नल अकबर खान कौन था और वजीर आजम से खुफिया मुलाकात के मकासद क्या थे? आज हम यही गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ जनरल मेसर्वी के मुख्तसर दौर में हर तरफ इस शख्स की परछाई नजर आती है। क्या में पाकिस्तान के वक्त कर्नल अकबर खान का शुमार पाकिस्तान के सीनियर तरीन फौजी अफसरों में होता था। ये वही अकबर खान हैं जिन्हें मशहूर जमाना रावलपिंडी साजिश केस का मरकजी किरदार करार दिया गया और फैज अहमद फैज के साथ मिलकर हुकूमत का तख्ता उलटने के इल्जाम में फौज से निकाल दिया गया। बाद में जुल्फकार अली भुट्टो ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी चीफ मुकर्रर किया। कर्नल अकबर खान जो बाद में ब्रिगेडियर और फिर मेजर जनरल बने, उन्हें पाकिस्तान की प्राक्सी वार का बानी कहा जा सकता है, क्योंकि कश्मीर आजाद करवाने के लिए जो कबारी लश्कर भेजा गया उसे एस्टेब्लिशमेंट ने ऑपरेशन गुलमर्ग का नाम दिया और कर्नल अकबर खान को इस ऑपरेशन का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। मेजर जनरल अकबर खान बहुत पुरइसरार और मुतजाद शख्सियत के मालिक थे। एक तरफ वो कश्मीर में जहाद का अलम उठाए हुए थे तो दूसरी तरफ उनकी रंगीन मजाजी के चर्चे आम थे। जहाद कश्मीर के दिनों में जब वो ब्रिगेडियर थे तो रंग और नूर की महफिलें सजाने की खबरें जीएचक्यू तक पहुंचने लगी। जीएचक्यू से एक फौजी अफसर को मामलात की जांच पड़ताल के लिए रवाना किया गया। जब ये इंक्वायरी अफसर मरी में कश्मीर पॉइंट के करीब ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुंचा तो उसका ख्याल था कंट्रोल रूम में हालत जंग का समा होगा, लेकिन वहां तो चंद खूबरू दोशीजाओं में घिरे ब्रिगेडियर अकबर खान रक्सो स्वरूप की महफिल सजाए हुए थे। इसी तरह जब चीफ ऑफ स्टाफ नामजद होने के बाद मेजर जनरल के रैंक पर तरक्की पाने के लिए ब्रिगेडियर अकबर खान स्टाफ कोर्स के लिए लंदन गए तो वहां भी उनके अंदाजो अतवार यही रहे। उनके साथ ही कोर्स के लिए जाने वाले एक फौजी अफसर की बयान करदा रौदाद के मुताबिक लंदन में उनका पुरतायश अपार्टमेंट मुगल दरबार का मंजर पेश करता। ईरानी कालीनों पर इंतहाई नफीस और महंगे गाओ तकिए लगे होते, रकासाएं अपने फन के जोहर दिखा रही होती और एक रोज तो भारत के मशहूर डांसर राम गोपाल को उनके दरबार में नाचते देखा गया। जो तारीख हमें पढ़ाई गई उससे तो ये मालूम होता है कि जज्बा जहाद से सरशार कबायली लश्कर ने अपनी मदद आपके तहत कश्मीर आजाद करवाने के लिए श्रीनगर की तरफ मार्च किया, लेकिन सच ये है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्की दिफा की नचकारी का आगाज करते हुए ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी कर्नल अकबर खान को सौंपी गई और तारिक बिन ज़ियाद से मुतासर होकर कर्नल अकबर खान का जहादी नाम जनरल तारिक रखा गया। कश्मीर आजाद करवाने के लिए ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत हर पश्तून कबीले को 1000 जंगजू भर्ती करने का टास्क दिया गया। कश्मीर पर यलगार करने के लिए 22 अक्टूबर 1947 की तारीख मुकर्रर की गई। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ब्रिगेडियर शेर खान समेत न सिर्फ कई सीनियर फौजी अफसर इस मुहिम जोई का हिस्सा बने, बल्कि हर कबायली मलिक के मुशीर के तौर पर अफवाज पाकिस्तान के हाजिर सर्विस मेजर को मुसल्ला जत्थे की क्यादत सौंपी गई। ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत कबायली लश्कर मार धाड़ करता हुआ श्रीनगर के करीब तो पहुंच गया, लेकिन तवक्कुआत के बरअक्स कश्मीरी अवाम को मुसल्ला जद्दोजहद और बगावत पर आमादा ना किया जा सका। दिलों को फतह करने के लिए भेजे गए कबायली लश्कर की तवज्जो लूट मार की तरफ मबजूल रही और ख्वातीन की असमत दरी जैसे वाकियात ने नफरतों के ऐसे बीज बोए जिन्होंने बाद अज़ां खारदार झाड़ियों का रूप धार लिया। कबायली लश्कर की इन कारिस्तानियों का पर्दा गैर जानिबदार मोरखीन ने तो चाक किया ही, पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क्यादत भी इस हकीकत को ना झुटला सकी।
चौधरी मोहम्मद अली जो बाद अज़ां पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, उन्होंने अपनी किताब द एमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में इस सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए लिखा है कि कबायली लश्कर लूट मार के चक्कर में ना पड़ता तो 26 अक्टूबर को ही कश्मीर पर कब्जा कर लिया गया होता। इसी तरह मेजर जनरल वजाहत हुसैन जो जनरल ग्रेसी के ADC रहे, उन्होंने भी अपनी किताब द मेमरीज ऑफ सोल्जर में कबायली लश्कर की लूटमार का जिक्र किया है। सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन गुलमर्ग से कबल गवर्नर जनरल कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना को एतमाद में लिया गया, या फिर खुद साख्ता तारिक बिन ज़ियाद अपने आप को कायद अजम से ज्यादा मुहब्ब वतन समझ रहे थे। चौधरी मोहम्मद अली बयान करते हैं कि उन्हें 21 अक्टूबर को वजीर आजम लियाकत अली खान ने कबायली लश्कर कशी के मंसूबे से मुतालिक आगाह किया तो चौधरी मोहम्मद अली ने पूछा, क्या कायद अजम को इस पेशरफ से आगाह किया गया है? लियाकत अली खान ने कहा, नहीं, अभी तक कायद अजम को नहीं बताया गया। तकसीम हिंद से मुतालिक 1969 में शाये होने वाली H.V. हुडसन की किताब द ग्रेट डिवाइड के मुताबिक शुमाल मगरबी सरहदी सूबे के अंग्रेज गवर्नर जॉर्ज किनिंगम ने अफवाज पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ जनरल मेसर्वी और गवर्नर जनरल कायद अजम को आगाह किया कि कबायली लश्कर कश्मीर पर धावा बोलने के लिए रवाना हो रहा है। जब इस सूरत हाल पर कायद अजम को ब्रीफिंग देने की कोशिश की गई तो उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा, मुझे इस बारे में कुछ मत बताओ, मेरे जमीर को पाक साफ रहने दो। पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ जनरल फ्रैंक वाल्टर मेसर्वी एक जहांदीदा और तजर्बाकार सिपा सालार थे। उन्होंने दूसरी जंगे अजीम के दौरान वेस्टर्न डेजर्ट ऑपरेशन के दौरान बरतानवी फौज की क्यादत की और जब एक महाज पर उनकी फौज को जनरल रुमेल के हाथों शिकस्त हुई तो जनरल मेसर्वी ने अपने रैंक उतार कर हुरिया तब्दील किया और दुश्मन को चकमा देकर वहां से बाहिफाजत निकलने में कामयाब हो गए। बाद अज़ां उन्होंने बर्मा में रंगून के महाज पर भी बरतानवी फौज की क्यादत की, मगर कश्मीर की गैर पेशावराना मुहिम जोई से उन्हें बेहद मायूसी हुई। तासुर तो ये है कि जनरल मेसर्वी ने ताजे बरतानिया से वफादारी निभाई और कश्मीर आजाद करवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन हकीकत यह है कि उनसे बेगाने ही नहीं अपने भी नाखुश रहे। लॉर्ड माउंट बेटन और सर रोब लॉकहार्ट को जनरल मेसर्वी से यह गिला रहा कि वो उन्हें कबायली लश्कर की पेशकदमी से आगाह कर देते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इस हवाले से जनरल मेसर्वी का मौकफ यह रहा कि अफवाज पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ की हैसियत से ऐसी हसास मालूमात किसी दूसरे मुल्क से शेयर करना परले दर्जे की पेशावराना बददियानती होती और वो इस तरह की खयानत का सोच भी नहीं सकते। बहरहाल कश्मीर की मुहिम जोई के दौरान ही बददिल होकर जनरल मेसर्वी रुखसत पर चले गए। ना उन्होंने तौसी मांगी, ना किसी ने ये तावील पेश की कि दौरान जंग सिपा सालार तब्दील करना दुरुस्त नहीं। जनरल डॉगलस ग्रेसी को पहले कायम मकाम और फिर मुस्तकिल कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया। जनरल ग्रेसी ने इस मामले से कैसे निपटने की कोशिश की और क्या ये सच है कि जनरल ग्रेसी ने कायद अजम की हुक्म अदूली करते हुए कश्मीर में फौज भेजने से इनकार कर दिया? इस हवाले से तहलका खेज इंकशाफात पर मुश्तमिल अगली किस्त मुलाहजा कीजिए चंद रोज बाद। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल तराजू।